हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॉइस किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ सिंपल सी मगर बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी जो कि सबकी फेवरेट है। बरसात का टाइम चल रहा है तो ऐसे में सबके घरों में पकोड़े, ब्रेड पकोड़े तो बनते ही हैं। तो आज ब्रेड पकोड़े की रेसिपी बना रही हूँ। घर में बारिश का मौसम था, पकौड़े बन रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना सिंपल सी रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। तो फटाफट से बना लेते हैं इस रेसिपी को। और इसके साथ साथ मैं बनाऊँगी एक बहुत ही ज़बरदस्त सी चटनी जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इस चटनी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ये चटनी। और मस्ट ट्राई रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है बेसन। बेसन में हम नॉर्मली अपने सारे मसाले ऐड कर देंगे, नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया मसाला, और इसके साथ साथ थोड़े से डाल देंगे चिली फ्लेक्स इसको अच्छा सा कलर देने के लिए, और साथ ही धनिया की कुछ पत्तियाँ। और बस अच्छे से पहले इसको मिक्स कर लेंगे, और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और इसका एक पहले गाढ़ा घोल बना लेंगे ताकि इसके अंदर लम्स ना रहे, और उसके बाद थोड़ा और पानी डाल के इसका एक लिक्विडी घोल हम बना लेंगे। ये देखिए अभी गाढ़ा घोल है, इसमें थोड़ा पानी और डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जैसे कि मैं अपनी हर पकौड़ों की रेसिपी में बताती हूँ कि पकौड़ों को ज़्यादा देर तक क्रिस्पी बनाए रखने के लिए हम इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच गरम तेल। तो तेल मैंने ऑलरेडी गरम होने के लिए रखा हुआ है। और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं ब्रेड स्लाइस। ब्रेड स्लाइस को मैं कट कर लूँगी, कट आप अपने अकॉर्डिंगली किस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ट्रायंगुलर कट कर रही हूँ, छोटे भी और बड़े भी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है बच्चों को तो चाहे कोई भी चीज़ दे दो बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं होता है। तो मैंने कुछ छोटे ट्रायंगुलर बनाए हैं और कुछ बड़े। तो बस इसी तरीके से हम अपनी सारी ब्रेड के पीसेस को कट कर लेंगे, कुछ बड़े और कुछ छोटे। और इसके बाद हम चलेंगे गैस की तरफ। तो देखिए सारी ब्रेड को मैं इसी तरीके से कट कर रही हूँ, और कोई भी शेप आप दे सकते हैं। आप इसको पूरा का पूरा भी बना सकते हैं या इसके सीधे 2 पार्ट करके भी आप इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए सारी ब्रेड को मैंने कट कर लिया है, और मैं आपको दिखाती हूँ कि बैटर हमारा बेसन का किस तरीके से होना चाहिए। हमें ना तो ज़्यादा लिक्विड ही चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा चाहिए, बस इस तरीके से चम्मच पे एक कोटिंग आ जानी चाहिए। तो बस अब हम चलते हैं गैस की तरफ, और गैस पे तेल है हमारा गरम। फटाफट से इसमें अपने ब्रेड पकौड़े तल लेते हैं। ब्रेड पकौड़े तलने का प्रोसेस तो आप सबको पता ही है, बस हल्का सा गोल्डन करना है हमें इन्हें, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यूसली कुक करते हुए इन्हें गोल्डन फ्राई कर लेंगे। जितने ब्रेड एक बार में आए उतने ही हम डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो हमें पलटने में दिक्कत होती है। तो बस इसी तरीके से पलट पलट के हम इसे सुनहरा होने तक कुक कर लेंगे। तो रेडी है हमारे ब्रेड पकौड़े, देखिए कितने बढ़िया ये लग रहे हैं। बट वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि आगे आपको चटनी की रेसिपी जो मैंने आपको बताई थी वो आने वाली है। तो बहुत ही टेस्टी चटनी है, एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। मेरे कहने से सिंपल सी है मगर बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये देखिए ब्रेड पकौड़े जो है हमारे बनके बस तैयार हैं। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना प्यारा कलर इनका आया है, और जो हमने धनिया डाला था वो अलग से ही फ्राई होने के बाद कितना प्यारा कलर दे रहा है हमारे ब्रेड पकौड़ों पे। ये देखिए बन के रेडी है हमारे ब्रेड पकौड़े। मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितनी बढ़िया इस पर कोटिंग हुई है और कच्चा बिल्कुल भी नहीं है अंदर से। और बारिश में गरम गरम पकौड़े साथ में चटनी और चाय मिल जाए तो फिर तो बस बात ही क्या है। तो ये देखिए रेडी है, और अब बनाते हैं अपनी फटाफट से हम चटनी। तो चटनी के लिए यहाँ पे मैंने सिंपली टमाटर लिए हैं 2, 4 हरी मिर्च लिए, और 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, और बस इन्हें मोटा मोटा काट लिया। अब ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे हरी मिर्च को, देखिए इस तरीके से तोड़ के, और साथ ही डाल देंगे अपना लहसुन और तो ये देखिए हरी मिर्च डाल दी है। अब डाल देंगे इसके साथ साथ लहसुन की कलियाँ, और साथ ही डाल देंगे टमाटर, और बस थोड़ा सा डालेंगे नमक और इसको पीस लेंगे। तो गाइस देखिए रेडी है हमारी सिंपल सी मगर बहुत ही टेम्पटिंग सी चटनी। और रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।